भाई की जगह अनुज कपाड़िया को देखकर थर्रा गया अंकुश, जल्द ही गिरेगा पैरों में। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज अंकुश ने अनुज के सामने अपनी औकात दिखा दी और फिर अनुज को भाई की जगह अनुज कपाड़िया बनना ही पड़ा, जो कि जरूरी था। अनुज को सामने देख के एक बार तो सिट्टी पिट्टी गुम हुई अंकुश की, मगर उसको पता है कि उसे करना क्या है, क्योंकि कुछ है तो है नहीं हाथ में। अनुज को फिलहाल घर से बाहर निकालना है, मगर वो ये भूल गया कि वो तो अपनी तरफ से अपने छोटे भाई को बाहर निकाल रहा है। वो ये सोच रहा है कि ये लाचार बेसहारा क्या ही कर लेगा मेरा, मगर वो भूल गया कि ये छोटा भाई तो जो था वो था, मगर ये दा अनुज कपाड़िया है। इसीलिए जब जाते जाते अनुज ने चेतावनी दी, बताया कि अब आपकी टक्कर अनुज कपाड़िया से होगी, तो अंदर तक हिल गया ये अंकुश। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो लोग सही चलते हैं, सच की राह पर चलते हैं, वो बार बार गिरते संभलते रहते हैं, मगर जब कोई अपना पीठ पे छुरा घोंपता है, जैसे कि अंकुश और बरखा ने अनुज के साथ किया, तो यही सच्चे लोग अपनी पूरी ताकत के साथ जब खड़े होते हैं तो बड़ों बड़ों के घुटने जो हैं टेक देते हैं। यही इस अनुज के भाई अंकुश के साथ होगा। अनुज ने आज की कन्वर्सेशन में भाई 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 कहके ही अंकुश से बात की और बहुत सही कहा। सारे का सारा जो भी अनुज के साथ इन लोगों ने किया सब बता दिया कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। यहां पे शर्म आने की जगह अंकुश और ज्यादा हाई स्टेटस दिखा रहा है कि मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, निकलो तुम यहां से। तो थोड़ी भी शर्म नहीं थी अंकुश के चेहरे पे। अगर कुछ था तो वो डर था कि अब क्या होगा, क्योंकि ये बिजनेस ये घर सब दे के भी क्या ही कर लेगा अंकुश, क्योंकि ये सब तो अब बिकने की कगार पे है। मगर फिर भी हेंकड़ी है कि अब मैं करूं क्या, अब मैं इसको बाहर निकालता हूं। मगर अनुज का जो स्टाफ है, घर का हो चाहे ऑफिस का हो, वो अनुज की आज भी इज्जत करता है, क्योंकि अनुज और अनुपमा ने कभी स्टाफ को स्टाफ नहीं अपना परिवार ही समझ के आगे बढ़ाया है, रिश्ते बनाए हैं, और इन लोगों ने सिर्फ स्टाफ को स्टाफ ही समझा। तो आज अनुज ने दिखा दिया कि वो अभी भी अपने स्टाफ अपने परिवार की नजर में वही औधा रखता है और अंकुश कभी भी नहीं रख पाया। तो आज अनुज जिस तरह से वापस आया, जिस तरह से उसने अंकुश को धमकी दी, और वो धमकी साबित भी होगी दोस्तों। आके उसने अनुपमा को जिस तरह से बताया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक बार के लिए लगा कि अनुपमा शायद समझाएगी, मगर नहीं, अनुपमा ने भी हाथ से हाथ मिलाया और कहा कि अब हमें अपना सारा हिस्सा वापस चाहिए, आपको अंकुश से अपना सारा हिस्सा वापस लेना है। कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि अब जब बाद में अंकुश को रियलाइज होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी तो औकात ही नहीं है बिजनेस खड़ा करने की, मेरी तो काबिलियत बिजनेस को डुबोने में है, तो ये बिजनेस भी मैंने डुबो दिया। और अनु जब नया बिजनेस खड़ा कर लेगा, उसकी काबिलियत बिजनेस खड़ा करने में है, तो इस रियलाइजेशन के होते हुए ये बहुत जल्द आपको अनुज के पैरों पे गिरा हुआ मिलेगा। मगर इसके बाद इसको माफी नहीं है, क्योंकि अब अनुज माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब अनुज कपाड़िया बन गया है, भाई नहीं रहा। तो ये अब अंकुश को ये आज के कारनामे का खामियाजा आगे कब तक भुगतना पड़ेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा, और ये चीजें ठीक होने वाली नहीं है। देखते हैं अब आगे कैसे, क्योंकि अनुज कपाड़िया ने तो ठान लिया है, और अनुज कपाड़िया शुरू से हम देखते आ रहे हैं इस करेक्टर को कि ये मेहनती है, स्वाभिमानी है, और इसकी से है मार्केट में। तो जब अनुज कपाड़िया रास्ते में भी खड़ा होगा तो बहुत सारे लोग इसके पास आएंगे बिजनेस ऑफर्स लेके कि आप हमें सपोर्ट कीजिए।
तो अनुज तो अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा, मगर इस अंकुश का क्या होगा, ये मजेदार होगा देखना। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.